हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक स्टोरी, द अम्ब्रेला, जिसको कि लिखा है ग ड मोपसां ने। तो फ्रेंच में हम इसे मोपसां कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसे मोपासां भी प्रोनाउंस कर देते हैं। तो मोपसां एक फ्रेंच राइटर था और इसको हम द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये ही वो पर्सन है जिसको शॉर्ट स्टोरी को एस्टैब्लिश करने का, डेवलप करने का फुल क्रेडिट जाता है। लेकिन इसने जो स्टोरी राइटिंग की वो सारी फ्रेंच में की, एंड लेटर दी स्टोरीज वर ऑल ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो मोपासां की खासियत है, ये बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता है और इसका प्लॉट बहुत ही इंट्रिकेट होता है, लेकिन इसका ह्यूमर बड़ा सटल होता है। तो अम्ब्रेला भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें मिडिल क्लास, जो सोसाइटी का सेक्शन है मिडिल क्लास, उसकी ग्रीड को, लालच को और उसकी जो हैबिट्स हैं, माइजरली हैबिट्स को डिस्कस किया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिसेस ओरिएले। तो ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है एक फैमिली, एक कपल, मॉन्शर ओरिएले और मदाम ओरिएले, क्योंकि ये फ्रेंच में है इसलिए इनको मॉन्शायर और मदाम कहा गया है। मॉन्शायर का मतलब सर है एंड मदाम का मतलब हम मैडम जानते हैं। तो ये जो कपल है ये एक मिडिल एजड कपल है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर जिस पे फोकस किया गया है वो मिसेस ओरिएले है, यानी कि मदाम ओरिएले है, जो कि एक बहुत ही कंजूस लेडी हैं। वो इतनी कंजूस हैं कि उसके हस्बैंड को अपनी पॉकेट मनी लेने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, और उसकी जो मेड है वो भी इजीली उससे कुछ भी हेराफेरी नहीं कर पाती। शी इज़ सो माइजरली कि उसके पास मनी को मल्टीप्लाई करने के हज़ारों तरीके हैं। यूँ तो वो जल्दी कोई पैसा खर्चती नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई पैसा खर्चना पड़ जाता है तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। वो तकरीबन 40 इयर्स की हैं और एक शॉर्ट स्टैट्यूट की महिला हैं। जो मिस्टर ओरिएले हैं वो वॉर ऑफिस में हेड क्लर्क हैं। दे आर कंफर्टेबली वेल ऑफ, काफ़ी रिच हैं, उनका कोई बच्चा भी नहीं है, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा पैसों की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड को मजबूर कर रखा है कि वो अपनी नौकरी जारी रखें। हालांकि मिस्टर ओरिएले को ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है अपना काम करने में। लेकिन अब मिस्टर ओरिएले की प्रॉब्लम क्या है, वो पेरिस शहर में रहते हैं। ये जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो पेरिस शहर का है, क्योंकि फ्रेंच स्टोरी है ये, तो बैकड्रॉप जो है वो फ्रेंच फ्रांस का पेरिस जो कैपिटल है वो है। अब वहाँ पर बारिश जो है वो अक्सर होती है, तो जो मिस्टर ओरिएले हैं उनको ऑफिस जाने के वक्त एक अम्ब्रेला कैरी करना पड़ता है, छाता लेके जाना पड़ता है। अब उनके पास बहुत सालों पहले का लिया हुआ एक छाता है जो वो अभी तक लेके जा रहे हैं, और उस छाते की वजह से उनका अपने ऑफिस में अक्सर मजाक बनता है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना, घिसा पिटा और भद्दा छाता है। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो छाता बदलवा ले या नया ले ले, मिसेस ओरिएले को कहने की बहुत कोशिश की, बट वो नहीं मानी। लेकिन अब जो मिस्टर ओरिएले हैं उनकी हद हो गई, अब वो ये छाता लेके और ज़्यादा देर ऑफिस नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने मिसेस ओरिएले से कहा कि वो उनको एक नया छाता खरीद दे। लेकिन जो मिसेस ओरिएले हैं उन्होंने अच्छा छाता ख़रीदने की बजाय एक सस्ता सा छाता, जो कि किसी बड़ी शॉप ने अपनी एड के पर्पज़ के लिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो छाते बनते हैं जिसमें चीप किस्म का मटेरियल लगा होता है, वो छाता उन्हें ख़रीद के दे दिया। अब ऐसे छाते तो पेरिस शहर में हज़ारों की तादाद में दिख रहे थे, तो जब वो लेके गए ऑफिस तो उनका पहले से भी ज़्यादा मजाक बन गया। और अब किसी तरह उन्होंने थोड़े दिन निकाले, लेकिन ये बहुत ही एक बुरा सौदा साबित हुआ, क्योंकि वो एक चीप छाता था, तो वो थोड़े दिनों के बाद छाता टूट गया, फट गया। तो
अब मिसेस ओरिएले को उन्होंने फिर से डिमांड करा कि उन्हें एक अच्छी सिल्क का जो छाता कम से कम 20 फ्रैंक्स का हो वो उन्हें लेके दें, हर हालत में उन्हें चाहिए और बिल भी साथ में दिखाएं, कहीं वो कोई हेरा फेरी ना कर दें, कहीं फिर से कोई चीप छाता ना ले आए। तो अदरवाइज उन्होंने नौकरी छोड़ने की धमकी तक दे डाली। अब मिसेस ओरिएले को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो पी गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर नौकरी छोड़ दी तो वो ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने 18 फ्रैंक तक खर्चने को वो राज़ी हो गई और एक नया छाता उन्होंने ला के गुस्से में अपने हस्बैंड को दिया और साथ में ताकीद की कि ये छाता जल्दी नहीं फटना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल तक इसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी उन्हें दोबारा नया छाता नहीं लेके देंगी। लेकिन मिस्टर ओरिएले तो बहुत खुश थे, वो इतने हैप्पी और जुबिलेंट मूड में, जैसे उन्होंने दुनिया फतेह कर ली हो, वो छाता लेके बहुत ही ठाट से अपने ऑफिस पहुँचे, अपने दोस्तों को दिखाया, सब लोगों ने बहुत तारीफ की। तो अब वो जब शाम को घर वापस आए तो मिसेस ओरिएले ने सबसे पहले उनका छाता देखा, तो जैसे ही उन्होंने छाता देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। छाते के बीचों बीच एक कॉइन के आकार का छेद उन्हें नज़र आया, तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई कि उनसे बोला नहीं गया और उन्होंने वो छाता अपने हस्बैंड की तरफ घुमा के कहा कि ये क्या है। तो उनके हस्बैंड को भी कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि हुआ कैसे है ये सब कुछ, लेकिन मिसेस ओरिएले को कहाँ चैन आने वाला था। उन्होंने अपने हस्बैंड को खूब खरी खोटी सुनाई, अब वो बेचारे कुछ भी ना कर सकने की हालत में थे, तो वो बार बार यही कहते रहे कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है किसी ने जेलसी में ये सब कुछ कर दिया हो। तो खैर, मिसेस ओरिएले ने वो छाते को किसी पुराने छाते का एक कपड़े का पैच लगा के उसको मेंड कर दिया और फिर से उसे अपने हस्बैंड को दे दिया और फिर से ताकीद की कि वो इसका अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखें। तो मिसेस ओरिएले ने वो छाता अपने हस्बैंड को दिया और उनके हस्बैंड अगले दिन वो छाता लेके ऑफिस गए। जब शाम को वो आए तो उनकी पत्नी ने सबसे पहले वो छाता, तो अब जब उन्होंने वो छाता देखा तो वो छाते का सीन बड़ा हैरान करने वाला था। सारे छाते में छोटे छोटे छेद हुए पड़े थे, पूरा छाता एक जाली का रूप ले चुका था। अब ऐसा लग रहा था जैसे जलती हुई राख जो थी किसी सिगार की या पाइप की, किसी ने गरम गरम राख जो थी वो छाते पे डाल दी हो और वो सारा छाता बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब मिसेस ओरिएले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई, अब उनके हस्बैंड को कुछ बात भी नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करें, तो उन्होंने बहुत बुरा भला कहा अपने हस्बैंड को। और अब जब वो इतना सब कुछ अपने हस्बैंड को सुना रही थी तो उनके हस्बैंड बेचारे ये सब कुछ उनको सुनना पड़ रहा था, तो तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जो कि मिस्टर ओरिएले के लिए बड़ी एक रिलीफ आई कि कोई शुक्र है कि वो सब बंद होगा कुछ देर के लिए। जब दरवाज़ा खोला गया था वो एक गेस्ट था जिसको आज डिनर पे इनवाइट किया गया था, तो अपनी उस प्रॉब्लम को मिसेस ओरिएले ने गेस्ट के सामने रखा। अब गेस्ट बेचारा गरीब आदमी था, तो उसने कहा कि आप इस छाते को मेंड करवा लीजिए, रिकवर करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, इस पे 7-8 फ्रैंक और लग जाएंगे और 26-27 फ्रैंक मैं एक छाते पे लगा दूँ तो इट वुड प्रूव अ वेरी बैड बार्गेन, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और नया छाता तो मैं उसके ख़रीद के नहीं दूंगी। तो वो बेचारा गेस्ट था, उसने सुन रखा होगा कहीं से कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नुकसान का क्लेम देती है, तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि आप जो आपका हाउस इंश्योर्ड है जहाँ पे, उस कंपनी के पास क्यों नहीं जाती, वो अगर घर पे नुकसान हुआ हो तो उन चीज़ों को वो रिपेयर करवा देती हैं या उसका क्लेम दे देती हैं। तो ये जो एक सजेशन थी मिसेस ओरिएले को बहुत जची, तो गेस्ट तो चला गया ये सलाह देके, मगर उनका ध्यान इस सलाह से हट नहीं रहा था, बार बार इंश्योरेंस कंपनी का जो आइडिया था उनके दिमाग में आ रहा था। और जब उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो ऑफिस से आते वक्त इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस हो आए, तो उसने तो साफ मना कर दिया कि मैं इतने थोड़े से क्लेम के लिए कभी नहीं जाऊंगा, भले ही मैं बिना छाते के जाऊं या फिर मुझे जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़े।
तो अब तो मिसेज ओरिएले के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई. तो उन्होंने सोचती रही तो फिर एक बार उन्होंने हिम्मत इकट्ठी की और वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए चल पड़ी. लेकिन जाने से पहले कि वो जो लॉस हुआ था वो बड़ा इरिपेरेबल लगे, उन्होंने एक जगह पे छाते के बीचों बीच दो रिब्स के बीच में एक बहुत बड़ा सा होल कर दिया, एक हाथ के जितना, एक हथेली के साइज का होल कर दिया, ताकि देख के लगे कि ये मेंड हो ही नहीं सकता, इसको सिर्फ दोबारा से सारा जो सिल्क है वो दोबारा से लगवाना पड़ेगा. तो वो जो छाता कटाफटा रूप में था वो उनको लेके चल पड़ी. और लेकिन वो बहुत डर रही थी, इसलिए डर रही थी कि जब वो वहाँ पे जो लोग होंगे वो मेरे इतने छोटे से क्लेम के बारे में जानेंगे तो वो मुझ पे हंसेंगे या उनकी नज़रों का मैं कैसे सामना करूँगी. लेकिन एक तरफ उनको ये ख्याल आता तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी आता कि अगर पैसे मिल गए तो उनको कितना फ़ायदा हो जाएगा, उनका छाता नया बन जाएगा. आखिर में उनकी कंजूस जो नेचर थी उसी की जीत हुई और वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए कंपनी के ऑफिस में चल पड़ी. अब वो जैसे जैसे चल रही थी उनका दिल बड़े ज़ोरों से धड़क रहा था, वो डर भी रही थी और रुक भी रही थी, उनकी जो पेस थी वो कम हो गई, वो गिन रही थी कितने घर रह गए जिनके बाद वो कंपनी का ऑफिस आएगा. फिर उन्होंने सोचा कि जितनी जल्दी ये हो जाए तो बेटर होगा. तो आखिरकार उन्होंने देखा कि वो ऑफिस के अंदर पहुंच गई हैं. एक आदमी से उन्होंने पूछा कि फायर की जो डैमेजेस होते हैं वो कहाँ से क्लेम किए जाते हैं, तो उसने फर्स्ट फ्लोर पे उनको भेज दिया. और वो एक बहुत बड़े से रूम में पहुंच गई जहाँ पे कुछ जेंटलमैन मैनेजर के साथ पहले से एक जो बातचीत कर रहे थे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में. तो वो लाखों की बात कर रहे थे और लाखों का क्लेम मिल सकता था, कई लाखों का छूट सकता था, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी. और मिसेस ओरिएले वहाँ पे अपने सिर्फ 5-6 जो फ्रैंक था उसके क्लेम के लिए आई थी. एक बार तो उनका दिल किया कि वो भाग जाए, लेकिन फिर जो पैसों का ख्याल आते ही वो फिर से आराम से बैठ गई. लेकिन इसके लिए अब देर भी बहुत हो चुकी थी, अब वो कहीं नहीं जा सकती थी. जैसे ही वो जेंटलमैन गए तो जो मैनेजर था उसने पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. तो मिसेस ओरिएले ने उनसे कहा कि ये देखिए, उन्होंने उनके मुंह के सामने छाता खोल के रख दिया. तो छाता तो ऑब्वियसली बहुत फटा हुआ था, तो मैनेजर समझ नहीं पाया कि ये लेडी क्या चाहती है. तो उसने बताना शुरू किया कि ये जो छाता है ये मेरा जो घर है इंश्योरेंस है, तो मैं इस छाते का क्लेम लेने के लिए आई हूँ. तो मैनेजर बहुत ही ज़्यादा उसको अजीब लगा कि आज तक इतना छोटा क्लेम लेने के लिए कोई नहीं आया. उसने उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि हमारी कंपनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए में डील नहीं करती है, इतना छोटा सा क्लेम हम कैसे दे सकते हैं. तो मिसेस ओरिएले ने कहा कि पिछले साल हमारी 500 फ्रैंक्स की एक चिमनी जल गई थी, तो हमने एक पैसा भी कंपनी से क्लेम नहीं लिया, लेकिन अब मैं ये क्लेम नहीं छोड़ूंगी. तो मैनेजर को हंसी आई कि 500 फ्रैंक का क्लेम नहीं लिया और ये 5-6 फ्रैंक का क्लेम लेने आप आ गई हैं. तो उसने कहा कि वो मिस्टर ओरिएले का मैटर था, लेकिन ये पैसे मेरे पर्स से गए हैं और मेरे पर्स से एक पैसा भी फजूल में नहीं जाने दूंगी मैं, तो आपको ये क्लेम देना पड़ेगा. तो जब मैनेजर को लगा कि वो इस औरत से पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो उसने कहा बताइए जी क्या हुआ था. तो मिसेस ओरिएले ने एक कहानी खुद ही बनाई वहाँ पे, खुद ही फैब्रिकेट की ये स्टोरी कि वो अपने घर में थी और जो छाता टांगने का रैक के ऊपर एक कैंडल स्टैंड था, तो वो कैंडल्स जलाते वक्त जो माचिस की तीलियाँ थी जलती हुई वो किसी तरह गलती से छाते के ऊपर गिर गई और छाता जल गया. तो जब कुछ देर के बाद उन्होंने स्मेल आती देखी तो वो भागी, तब तक ये छाता इतना सारा जल चुका था. और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि कंपनी जो इसको रिकवर करवा दे. तो मैनेजर के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने कहा बताइए आप कितना क्लेम चाहती हैं. तो उसने कहा मैं कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, आप मुझे बस ये छाता रिपेयर करवा दीजिए. तो उसने कहा कि मैं ये रिपेयर तो नहीं करवा सकता, आप ऐसा कीजिए छाते को रिपेयर करवा दीजिए और बिल हमें दे दीजिए, हम आपको इंश्योरेंस का क्लेम दे देंगे, आप बिल दे दीजिएगा हमें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो मिसेस ओरिएले वहाँ से उठी और बहुत ही खुशी खुशी, क्योंकि उनके चेहरे पर वो जीत की खुशी थी, जिस चीज़ के लिए वो आई थी उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और वो अब
ढूंढ रही थी कहीं पे उन्हें सफिशेंट सी काफ़ी खासी महंगी दुकान छातों के रिपेयर की मिल जाए जिससे वो अपना छाता रिपेयर करवा सकें, क्योंकि पैसे उन्होंने खुद नहीं देने थे। जब उन्हें दिख गया कि एक बड़ी काफ़ी महंगी एक दुकान है वो उसमें बड़ी प्राउडली वॉक करती हुई गई और उन्होंने कहा इस छाते को जो आपके साथ पास फाइनेस्ट सिल्क है उससे ये छाता रिपेयर करवा दीजिए एंड डोंट माइंड द कॉस्ट, कितने भी पैसे लगे आप उसकी परवाह मत कीजिएगा। तो ये थी द स्टोरी द अम्ब्रेला, जिसमें मिडिल क्लास की माइजरली मेंटेलिटी पे एक व्यंग कसा गया है। मुपासा ने इस पे एक बहुत ही अनोखे ढंग से और इतने रोचक ढंग से ये व्यंग कहा है कि एक जो ह्यूमर आता है स्टोरी में वो काबिले तारीफ है। और यहाँ पे जो मिसेज ओरिएले हैं वो जो मिडिल क्लास का एक माइजरली लेडी हैं, वो सारी माइजरली लेडीज़ का वो रिप्रेजेंटेशन करती हैं, लाइक शी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द माइजर्स इन द वर्ल्ड, जो कि पैसा बचाने के चक्कर में अपने आप को दे आर रिड्यूस्ड themselves just to the instrument of piling up the wealth। वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना जानते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कितनी बेइज्जती होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान उसको व्यंग से देख रहा है, मॉक कर रहा है या वो हंसी का पात्र बन जाती हैं। लेकिन अपने साथ साथ वो अपने हस्बैंड का भी जीना मुश्किल कर रखे हैं सिर्फ चंद रुपयों की खातिर। तो इस मानसिकता पर मिस जो मुपासा हैं उसने बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये स्टोरी लिखी है। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।